अक्सर जब भी कोई बड़ा त्योहार करीब आता है, होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, कोई भी भारतीय त्योहार, तो आपको सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया में इस तरह की एडवर्टीजमेंट, इस तरह के वीडियोस, पोस्टर, ट्वीट्स कि आपको बाढ़ दिखाई देगी, जो कि आपको बताते मिलेंगे कि भला हम भारत के लोग किस तरीके से इन त्योहारों को गलत तरीके से मनाते आ रहे हैं, हमारी परंपराएं किस तरीके से गड़बड़ है, खराब है, उनको कैसे सुधारने की जरूरत है। आपको इस तरह की नसीहतें हमेशा अलग अलग तरीके से सुनाई देंगी। इसमें कई सेलिब्रिटीज, कॉरपोरेट कंपनीज आपको धड़ल्ले से नसीहतें देती नजर आती। जाहिर है दशहरे पे हमने देखा, अब दिवाली आने लगी है, तो दिवाली आते आते आपको इस तरह की चीजें फिर से दिखाई देने लगी है। एक तरह की कोशिश है हमारे पारंपरिक त्योहारों को अलग रंग देने की, एक अलग तरह के खांचे में उसको खड़ा करने की कोशिश दिखाई देती है। फिर से हुई, ताजा मामला फैब इंडिया का है। फैब इंडिया हम जानते हैं कि पारंपरिक परिधानों का एक ब्रांड है, जो कि इंडियन देसी मार्का कपड़ों को बेचने के एक कॉर्पोरेट कंपनी है, जिसको एक अमेरिकन ने शुरू किया था। आज वो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन मालिक अभी भी अमेरिकन है। इसने दिवाली के अवसर पर एक कलेक्शन, दिवाली कलेक्शन लॉन्च किया है, और इस दिवाली कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट बनाया है, दरअसल उस थीम का नाम रखा है जश्न रिवाज। जश्न रिवाज आपको कहीं भी भाषा से भारतीयता आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। बहरहाल इस ट्वीट की जो भाषा उन्होंने रखी है इस थीम की, उसको मैं पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे। एज वी वेलकम द फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया इज ए कलेक्शन दैट ब्यूटिफुली पे होमेज टू इंडियन कल्चर। जश्न रिवाज तक बात खत्म नहीं थी, यहां पर ये इंडियन कल्चर को होमेज पे कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपने इस तरह की भाषा कभी सुनी है? सुनी होगी। अक्सर जब हम भी अपने मशहूर हस्तियों को, महान व्यक्तित्व को, पुरानी हमारी धरोहरों को जब भी उन्हें याद करते हैं, तो उनको एक तरह का होमेज पे करते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद करें तो श्रद्धांजलि देते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर को, जो मौजूदा इंडियन कल्चर है, उसको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं। ये कोई गलती नहीं हो सकती। दरअसल इस तरह के कैंपेन एक बड़ी टीम के जरिए पास किए जाते हैं, एक लंबी चयन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, हर एक तरीके से चर्चा होती है कि किस तरह से हमें थीम को आगे रखना है, किस तरह के हमें शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस को, उनकी आईबॉल्स को कैच करना है। लिहाजा इस तरह की कोशिश इंडियन कल्चर को होमेज पे कर रहे हैं, इंडियन भारतीय संस्कृति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा जाएंगे। दरअसल कई ये परिधान आपको मुगलई अंदाज के परिधान ज्यादा नजर आएंगे, बशर्ते कि दिवाली जैसे त्योहार से जुड़े हुए परिधान आपको, इसका सेंस आपको कतई दिखाई नहीं देगा। ये कोई पहला मामला नहीं, बायकॉट, जाहिर है सोशल मीडिया पर बात आगे बढ़ी तो बायकॉट फैब इंडिया का कैंपेन चला, और उसके चलते फेसबुक, ट्विटर, हर जगह से फैब इंडिया ने अपने इस कैंपेन के ट्वीट को, उस मैसेज को डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक मामला हो चुका था, ये अपनी उसी जो कोशिश थी उसमें कामयाब हो चुके थे। बहरहाल ये अकेला मामला नहीं है। दशहरे को हमें एक और उदाहरण देखने को मिला, जब एम्स, दिल्ली का सबसे बड़ा मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान एम्स, यहां के फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक रामलीला का मंचन किया। रामलीला का मंचन करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे शोएब आफ्ताब, जिन्होंने अनअकैडमी व्लॉग्स के लिए इस वीडियो को बनाया, उस पर अपलोड किया। अनअकैडमी आप जानते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का एक संस्थान है, और उन्होंने इस जिस तरीके से भारत की परंपरा में रामलीला का स्थान रहा है, उसको एक निचले दर्जे तक गिराने के लिए जो भी कसर हो सकती थी, उस कसर को इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी
सड़क छाप शब्दावली शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भाषा गालियों का इस्तेमाल किया, जो कि हम आपस में गली मोहल्ले के में नुक्कड़ पर खड़े होकर भी बातचीत करने से कतराते हैं। वो इस्तेमाल श्री राम लक्ष्मण माता सीता रावण के कई दशरथ के संवादों में उनके साथ उन्होंने इसका मंचन किया। श्री राम के लिए लौंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने का मंच गाते हुए उसका मंचन करते हुए ऐसी रामलीला प्रस्तुत की हम इसके डायरेक्टर शोएब आफ्ताब ने और बाकायदा इसको अन अकेडमी के ब्लॉग्स पर डाला गया। बाद में हंगामा हुआ तो माफी मांगी, एम्स के स्टूडेंट एसोसिएशन ने तुरंत उनकी तरफ से माफी मांगी, वीडियो डिलीट कर दिया गया। लेकिन क्या यही मामला खत्म हो जाता है? बहरहाल कलिंगा राइट्स फोरम ने हर जगह पर एम्स में दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार पर हर जगह जहां जहां संभव हो सकता था उन्होंने शिकायत दर्ज कराई एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई होगी नहीं होगी हम सब जानते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन ये ऐसा बार बार क्यों होता है? मैं आपको करीब करीब 100 साल पहले ले जाना चाहूंगा। एक बड़े मार्क्सिस्ट हुए हैं एंटोनियो ग्राम्सी, इटालियन फिलोसोफर, इटालियन पॉलिटिकल थ्योरी में, ये कहें कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी में ये एक बड़ा नाम है। इन्होंने कहा कि जब हिंसा पावर के जरिए मार्क्सिस्ट जो हेजमनी है वो कायम नहीं की जा सकती, तो उन्होंने दरअसल जेल में रहते हुए कुछ बुक्स लिखी जिनको जिनका जो आज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में एक तरह से गॉस्पेल थ्योरी मानी जाती है, जो है थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी की। इसका मकसद क्या है? दरअसल एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि जब आप पावर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते शक्ति के जरिए, बाहुबल के जरिए, पैसों के बल पर, इकोनॉमी पर कब्जा नहीं कर सकते, तो आप एक ही तरीका बचता है जो ज्यादा बेहतर तरीका है, वो है कल्चरल हेजमनी का। आप टारगेट कल्चर को इस तरीके से उसके संस्थानों पर कब्जा करिए, वहां पर अपनी कल्चरल हेजमनी को स्थापित करिए और कल्चर पर वहां के कल्चर पर इस तरीके से धीरे धीरे वार करते रहिए, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करते रहिए और अपना एक नैरेटिव स्थापित करते रहिए। धीरे धीरे आप इतने कामयाब हो जाएंगे कि कल्चरल मामले में आपका स्टेटस को हो जाएगा और अंततः आप इकोनॉमी और पावर पर कब्जा कर सकते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग टॉप यूनिवर्सिटीज आपको जितने भी चिंतक एजुकेशनिस्ट या फिर उन संस्थानों पर कब्जा करने वाले अधिकारी मिलेंगे वो तमाम आपको इसी तरह की सोच के लोग मिलेंगे जो किसी भी पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर देश के संस्कृति पर धीरे धीरे वार कर रहे हैं और वहां पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इंडिया के खिलाफ भी ऐसा ही हो रहा है, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि इन दिनों ये कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहां पर एक जो जिस तरीके से देखें तो भारतीय लोगों के हाथों में जो सत्ता आई है उसके खिलाफ ये कोशिश तेज जरूर हुई है, लेकिन ये कोशिश दशकों से चल रही है। धीरे धीरे हमारे जहन में इस कल्चरल हेजमनी को बिठाने की कोशिश दशकों से होती रही है और हमारे दिमागों में बैठी है। बहरहाल आज फर्क इतना है कि भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया है। सोशल मीडिया पर जैसा ही मौका मिलता है उसका उसी तरह जवाब दिया जाता है, लिहाजा अब धीरे धीरे इनके पांव भी धीरे धीरे उखड़ने लगे। ये है मार्क्सिस्ट थ्योरी का यानी एंटोनियो ग्राम्सी का वो कल्चरल हेजमनी थ्योरी जो यहां पर आपको इस तरह के कॉर्पोरेट एडवर्टीजमेंट्स में, आपको इस तरह की रामलीला के मंचन में, बड़े बड़े संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म सीरीज में, आपको हर जगह धीरे धीरे दिखाई देगा। ये उसी इटालियन पॉलिटिकल थ्योरी का नतीजा है। बहरहाल हम जानते हैं नतीजा विरोध, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उन्हीं के मूल्यों के अंदर रहते हुए इसका विरोध कर
नतीजा आएगा। यही लोकतंत्र की ताकत है। नमस्कार।